दोस्तों नमस्कार। नेहा कक्कड़ की शादी को लेकर के बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। सभी का कहना है कि अक्टूबर के इसी आखिरी के दिनों में नेहा कक्कड़ की शादी हो जाएगी रोहन प्रीत सिंह से। रोहन प्रीत सिंह भी एक सिंगर हैं और बहुत सारे गाने बॉलीवुड को दिए हैं। हालांकि रोहन प्रीत सिंह की अभी वो पहचान नहीं है जो नेहा कक्कड़ की है। नेहा कक्कड़ के एक्स बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली का भी बयान आया है और उनका भी रिएक्शन आया है जो देखने लायक है। मैं आपको कमेंट्स दिखाऊंगा हिमांशु कोहली का जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और साथ में जिस वीडियो के कारण ये बात का कयास लगाया जा रहा है कि नेहा कक्कड़ की शादी इसी महीने के आखिर में होने वाली है, क्या वो सच है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। रोहन प्रीत सिंह के मैनेजर ने साफ साफ बता दिया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर भक्ति संबंधित यानी कि भजनों के साथ साथ में बॉलीवुड की खबरें भी दी जाती हैं। तो आइए दोस्तों मैं आपको पूरी खबर बता देता हूं कि नेहा कक्कड़ की शादी अक्टूबर के इसी माह में नहीं होने वाली है। फैंस का दिल नहीं टूटने वाला है। जितने भी लोग नेहा कक्कड़ को पसंद करते हैं वे नहीं चाहते कि नेहा कक्कड़ की शादी हो, क्योंकि वे सब लोग नेहा कक्कड़ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वे नहीं चाहते कि वे हमें छोड़कर किसी और के पास जाए। हालांकि ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सभी को अपनी पर्सनल लाइफ जीने का हक है और वैसे भी बॉलीवुड वाले किसी की नहीं सुनते। और रही बात एक्स बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली की, तो हिमांशु कोहली का जो बयान आया है उसको ज़रा आप सुन लीजिए कि हिमांशु कोहली ने नेहा कक्कड़ की शादी को लेकर के क्या बात कही जो सोशल मीडिया पर लगातार जोर पकड़ रही है। हिमांशु कोहली का ये बयान सुनिए। उन्होंने कहा है कि वह उनकी शादी की खबर सुनकर काफ़ी खुश हैं। वह इस बात से बहुत खुश है कि नेहा कक्कड़ अपनी लाइफ में खुश है और आगे बढ़ रही है। हिमांशु कोहली ने यह भी कहा कि अगर नेहा सच में शादी कर रही है तो वह उनके लिए बहुत प्रसन्न है। उनकी शादी की खबर सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हिमांशु कोहली की ये बातें आपने सुनी, ये कमेंट्स मैंने आपको दिखाया, और साथ में जब हिमांशु कोहली से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि रोहन प्रीत सिंह कौन है, तो हिमांशु कोहली ने दो टूक शब्दों में कहा कि मैं नहीं जानता कि रोहन प्रीत सिंह कौन है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप खुश हैं कि नेहा की शादी हो रही है, तो उन्होंने यही बात कही कि ठीक है वो आगे बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं नहीं जानता उसकी शादी हो रही है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई है तो मुझे खुशी है कि वो आगे बढ़ रही है। मगर कहीं ना कहीं हिमांशु कोहली के दिल का दर्द बयां हो रहा था। हालांकि उनके होठों पर मुस्कान थी, मगर आंखों से साफ पता चल रहा था कि उनके दिल का दर्द जो है कहीं ना कहीं नेहा को खोने का है। कहीं ना कहीं अपने ब्रेकअप को लेकर के हिमांशु कोहली के अंदर पछतावा है। आखिर 4 साल लव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद नेहा कक्कड़ और हिमांशु कोहली, जिनको खुद नेशनल चैनल के ऊपर नेहा कक्कड़ ने और हिमांशु कोहली ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, आखिर उन्होंने ब्रेकअप क्यों किया? जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत ही जल्द वे दोनों शादी कर लेंगे, अचानक ऐसा क्या हुआ? अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि या नेहा कक्कड़ की तरफ से या हिमांशु कोहली की तरफ से नहीं आई थी। हाँ, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को कुछ बातें गलत सलत कहना इन दोनों की एक सोशल मीडिया पर इन दोनों की एक आदत से बन गई थी, एक दूसरे का कटाक्ष करने लगे थे। और हिमांशु कोहली ने तो ये भी कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि इतने इंसान खुद पास नहीं रहता कि उसकी असलियत पहचानी जाए। और हिमांशु कोहली ने तो ये भी कहा था कि साथ रहने के बाद ही पता चलता है कि हम पूरी ज़िंदगी साथ रह सकते हैं या नहीं। तो हो सकता है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा मनमिटाव हो जिस कारण से ब्रेकअप हुआ, मगर कहीं ना कहीं अभी भी हिमांशु कोहली के मन में नेहा कक्कड़ के लिए बहुत ही प्रेम है और हिमांशु कोहली नहीं चाहते कि उनकी शादी किसी और के साथ हो। जबकि हिमांशु कोहली ने अपने मुख से कुछ नहीं कहा, मगर दिल का दर्द ऐसा होता है कि इसे बयां करने के लिए आंखों की ज़रूरत पड़ती है और शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि हिमांशु कोहली ने मुस्कुराकर बोला कि शादी हो रही है, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ जिसकी नेहा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है। मगर दोस्तों क्या आपको लगता है कि हिमांशु कोहली जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है? क्या उनके दिल में ये दर्द नहीं है? क्या उनके दिल में ये बात नहीं है कि हाँ कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं एक दूसरे को डेट करने के बाद खोने का डर जो होता है इंसान को, वो उनके मन में छलक रहा हो? तो दोस्तों आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये क्लियर हो चुका है, रोहन प्रीत सिंह के मैनेजर ने क्लियर कर दिया है कि नेहा और रोहन प्रीत सिंह की कोई भी शादी नहीं हो रही है। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि ये शादी की बात कहाँ से चली। एक वीडियो आई रोहन प्रीत सिंह और नेहा कक्कड़ की, जिसमें नेहा कक्कड़ रोहन प्रीत सिंह को कह रही है कि मुझे एक शादी का छल्ला दिला दे। तो उसकी जो चुलबुला अंदाज है, जो एक्टिंग का अंदाज है, वो रियलिटी लग रहा है कि वाकई में
कि नेहा कक्कड़ अब रोहन प्रीत सिंह से शादी कर लेगी, तो उस क्लिप को लेकर के सोशल मीडिया पर लगातार अफवाह जारी है। इसी अक्टूबर में आखिरी के दिनों में शादी करने का भी प्लान बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर, मगर आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मैं अब ये कह सकता हूँ कि लाखों और करोड़ों फैंस का दिल टूटने से बच गया, क्योंकि नेहा कक्कड़ अभी शादी नहीं कर रही है, ये मात्र अफवाह है, क्योंकि रोहन प्रीत सिंह के मैनेजर ने क्लियर कर दिया है। हालांकि नेहा कक्कड़ की तरफ से अभी तक कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया, मगर रोहन प्रीत के मैनेजर की तरफ से बयान आ चुका है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ वो वीडियो क्लिप भी जिसके ऊपर ये सारी अफवाह चल रही है और सोशल मीडिया पर लगातार नेहा कक्कड़ की शादी की बात हो रही है। आप इस वीडियो को देखने के बाद कहोगे कि वाकई में नेहा की एक्टिंग लाजवाब है, क्योंकि रियलिटी लग रहा है कि वाकई में नेहा प्रपोज कर रही है और नेहा वाकई में शादी करने के लिए तैयार है। तो आइए देख लेते हैं इस वीडियो को भी, और उसके बाद आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।